बच्चा देते हेलो गाइस, तो वेलकम है आप सभी का फिल्मी वीड्स चैनल में। और इस वीडियो में आज हम काउंटडाउन करेंगे हॉलीवुड की ऐसी टॉप 10 एनिमेशन मूवीज़ के बारे में जिनकी एडवेंचर सिनेमेटोग्राफी और कॉमेडी सीन्स आपको एक कमाल का एक्सपीरियंस देने वाले हैं। और ये सभी मूवीज़ आपको YouTube पर हिंदी में मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट हो तो इन मूवीज़ के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आई होप कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आगे की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए फिल्मी वीड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है दोस्तों एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी बेस्ड मूवी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। ये मूवी साल 2010 में आई थी और इस मूवी का प्लॉट कुछ इस तरह है कि एक टाइप में इंसान ड्रैगन्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। उसी बीच एक लड़के ने एक ड्रैगन के साथ फ्रेंडशिप कर ली और उसके बाद उस लड़के की लाइफ में कैसा चेंज आया ये आपको इस मूवी के देखने पर पता चल जाएगा। फिल्म के एडवेंचर भरे सीन्स आपको काफी पसंद आने वाले हैं और IMDb पर इस फिल्म को 8.1/10 की रेटिंग दी गई है। साथ ही साथ इस मूवी को आप YouTube पर हिंदी में देख सकते हो और इस फिल्म सीरीज के अब तक 4 पार्ट बन चुके हैं। हाँ, खतरों से मिलो। इसका साइज तो बिल्कुल नहीं। ओ, बचाओ मुझे। ओ, लग गए, फिर से चोट लग गई। नंबर 9 पर है हमारी नेक्स्ट मूवी आइस एज कोलिजन कोर्स, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। यह एक एडवेंचर कॉमेडी और फैंटेसी एनिमेशन फिल्म है। मूवी की कहानी है एक एस्ट्रॉइड पत्थर के बारे में जो तेजी से अर्थ की ओर आ रहा होता है और अगर वो पत्थर अर्थ से टकरा गया तो भयानक तबाही ला सकता है। इसलिए अर्थ पर रहने वाले ये एनिमल्स किस तरह से अपने आप को होने वाले डिजास्टर से बचा पाते हैं नहीं, ये आपको इस फिल्म में बहुत ही मज़ेदार और कॉमेडी सीन्स के साथ देखने को मिलेगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.7/10 और ये मूवी हिंदी में YouTube पर अवेलेबल है। इस घन चक्कर के चक्कर में मत पड़ना, इसका स्क्रू तो ढीला है और दिखता भी एकदम झकास है। अब इस दुनिया को बचाने का राज यही है। ये कौन सी जगह है? अगर तुम उधर गए तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लुढ़का हुआ मिलेगा। 3 बच्चे हैं और एक बासी हरा भरा कबाब। हाँ, वो बासी हरा भरा कबाब हमारा दोस्त है। और तुम्हें नेक्स्ट नंबर पर है दोस्तों मूवी जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ टिनटिन, जो साल 2011 में रिलीज की गई थी। ये फिल्म बेसिकली एडवेंचर कॉमेडी और मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसमें टिनटिन नाम का एक जासूस लड़का अपने कुत्ते स्नोवी के साथ एक खजाने के साथ डूबे हुए यूनिकॉर्न नामी जहाज को ढूंढने के लिए एक रोमांचक सफर पर निकल जाता है और उसे उस जहाज की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये आप फिल्म में देखिए और ये मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। इस फिल्म को 7.3/10 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म यूट्यूब पर भी आप हिंदी में देख सकते हैं। हमारी अगली मूवी है गाइस इपिक, जो साल 2013 में आई थी। ये भी एक टॉप एडवेंचर और फैंटेसी फिल्म है। फिल्म की कहानी है एक टीनेजर कपल की जिन्हें जंगल में भेज दिया जाता है जहां अच्छे लोगों और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग चल रही होती है और ये दोनों वहां के लोगों को और उस फॉरेस्ट को सेव करने के लिए एक योद्धाओं का ग्रुप फॉर्म करते हैं और आखिर में क्या वो उन बुरी शक्तियों से छुटकारा पाते हैं या नहीं ये आपको इस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.7/10 और ये मूवी भी आप हिंदी में देख सकते हो। क्या बात है, मेरे यहाँ मेहमान कम ही आते हैं। बहुत की बदबू तो कौन आएगा? अरे कोई बदबू पसंद नहीं आती। मुझे तुम्हारा इंतजार था पर सोचा नहीं था तुम अकेले ही आओगे। किसने कहा कि मैं अकेला हूँ? चलो अब तुम हमारे साथ हो।
नंबर 6 पर है मूवी अप, जो 2009 में रिलीज की गई थी। ये मूवी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है। मूवी की कहानी है कार्ल फेडिक्सन नाम के एक 78 ईयर ओल्ड गुब्बारे बेचने वाले बूढ़े इंसान की, जिसकी जिंदगी का एक बड़ा सपना साकार होने वाला होता है, जिसमें वो हजारों बलून्स को अपने घर से बांध देता है और वो अपने उस घर को साउथ अमेरिका ले जा रहा होता है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उस चलते हुए घर में एक रसल नाम का लड़का भी है। मूवी का प्लॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक है, इसलिए आपको ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 8.2 out of 10, और ये मूवी आप यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हो। डग है, हम अभी अभी मिले हैं, अरे आई लव यू। ये बटन किस लिए है? अरे दिख रहा है, इसको हाथ नको लाओ, सांगितलं ना तुला माझा बटन विल गेट स्पॉइल यू नो। अभी इसको अगली मूवी है फ्रेंड्स नंबर 5 पर कुंग फू पांडा 2। ये मूवी ईयर 2011 में आई थी, जो कि एक एडवेंचर एक्शन और कॉमेडी जेनर मूवी है। मूवी कुंग फू पांडा यानी ड्रैगन वॉरियर पो की है, जिसमें वो खूनी और खतरनाक मोर यानी शेन के बुरे इरादों को नाकाम करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, और शेन चाइना पर कब्जा करके कुंग फू को नष्ट करने की प्लानिंग कर रहा होता है। इसलिए ड्रैगन वॉरियर पो को उसके अतीत के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे वो पूरी तरह से शेन को हरा पाए, और क्या वो वैसा कर पाता है या नहीं, ये आपको इस मूवी में पता चल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को मिले है 7.2 out of 10 की रेटिंग, और इस मूवी के कॉमेडी सीन्स आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करा देंगे, जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है ये वही योद्धा है जो मुझे हराने वाला है? नहीं आए हो? अरे हाँ, वो सारी कढ़ाइयाँ और बर्तन जो तुमने चुराए हैं, मैं वो सब वापस चाहता हूँ। और कुछ नहीं? तुमने और भी कई बुरे काम किए होंगे, मैं नहीं जानता, तुम खुद ही बता दो। तुम जिंदा हो क्योंकि मुझे तुम्हारी बेवकूफी थोड़ी मजेदार लगती है। बहुत शुक्रिया, पर मुझे हमारी नेक्स्ट मूवी है रैंगो, जो 2011 में रिलीज की गई थी। ये एक एडवेंचर एनिमेशन और कॉमेडी मूवी है। इस मूवी की कहानी है एक ऐसे दुनिया की जहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं और वो सब आपस में इंसानों की तरह बातचीत करते हैं। उसी टाइम पर यह एंट्री हो जाती है रैंगो की, जो कि एक गिरगिट होता है, और उसे एक ऐसी जगह का ऑफिसर बना दिया जाता है जहां रूल और कानून की कोई परवाह नहीं करता और सब अपने मन के राजा होते हैं। ऐसे में क्या रैंगो उन सबको कंट्रोल कर पाता है या नहीं, यह आप इस मूवी में देखिए। कॉमेडी और बेस्ट एक्शन सीन्स के साथ ये मूवी यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, और IMDb पर इस मूवी को 7.2 out of 10 की रेटिंग मिली है। अच्छा सुनो, मैं तुम सबको एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ जान बचाने का, और अगर तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। नंबर 3 पर आती है हमारी नेक्स्ट मूवी श्रेक, जो ईयर 2001 में रिलीज की गई थी, और ये एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है, जिसमें कहानी दिखाई गई है एक अजीब से दिखने वाले जीव श्रेक की, जिसकी ज़मीन उसे छीन ली गई है, और वो अगर उसे वापस पाना चाहता है तो उसे रेस्क्यू करना पड़ेगा एक ऐसी प्रिंसेस को जो एक मुसीबत में फंसी हुई है। तो क्या श्रेक उस प्रिंसेस को वापस लाने में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये आप इस फिल्म में देखिए। ये मूवी यूट्यूब पर आप हिंदी में देख सकते हो, और इस मूवी का IMDb स्कोर है 7.8 out of 10। अपन को खोली चाहिए प्लीज। क्यों नहीं, सामान ले आओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, रास्ता बड़ा सुनसान है, किसी ने मेरी इज्जत तोड़ ली तो मैं आपके साथ रहूंगा बड़े भाई, प्लीज प्लीज। ठीक है, अच्छा मैं अपना बिस्तर कहाँ लगाऊं? वहां जाकर सो जाएंगे। शुभ रात्रि। गर्मी बारिश में रह लूंगा, मैं छोरों से भी निपट लूंगा, पर अपनी दोस्ती जरूर निभाऊंगा। हमारी सेकंड मूवी है वंडर पार्क, और ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में, और ये एक एडवेंचर कॉमेडी जेनर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक ऐसी लड़की की जो एक मैजिकल वर्ल्ड की इमेजिनेशन करती है, और जहां मैजिक का यूज़ किया जाता है, और वहां के सारे कैरेक्टर्स मैजिकल होते हैं। लेकिन बाद में उस लड़की को पता चलता है कि वो जो कल्पना कर रही है वो कोई असली में एक जादुई दुनिया है, और उस जादुई दुनिया के लोग खतरे में हैं, और उन्हें वो लड़की ही बचा सकती है। तो कैसे ये लड़की उन मैजिकल कैरेक्टर्स को बचाती है, ये आप फिल्म में देखिए। ये मूवी भी यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, और इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 5.9 out of 10। हमारी इस टॉप 10 लिस्ट की आखिरी और नंबर 1 पर है ईयर 2013 में आई मूवी क्रूड्स। ये एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है, जिसकी कहानी दिखाई गई है एक कबीले के कुछ लोगों की, जिन्हें क्रूड्स कहा जाता है, और ये सब लोग निकल पड़ते हैं एक नए घर और जगह की तलाश में, जब उनकी गुफा को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है,
और इसमें एक लड़का उनकी मदद करता है ताकि उन लोगों को एक सेफ जगह पहुंचा सके। तो कैसा होता है उनका ये सफर आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है और IMDb पर इस फिल्म को 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। किसकी बारी है? चलो टॉस करते हैं। हेड्स और टेल? टेल। किसे भूख लगी है? वाह जी वाह। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो पिछले हफ्ते ही खाया था। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की टॉप 10 हॉलीवुड एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवीज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी बेस्ट एनिमेशन मूवीज कौन सी है नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए काउंटडाउन के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।